हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोजन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज मैं इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का कैंपस है और हम इस वीडियो के थ्रू कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें जो कैंपस हैं वो आपको दिखाएँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि भोजन मेडिटेक इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल एडमिशन पार्टनर है। अगर आप हमें चूज़ करते हैं, भोजन मेडिटेक को चूज़ करते हैं इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, तो आपका हमारे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन होता है और हैसल फ्री एडमिशन होता है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, काफ़ी ओल्ड इंस्टीट्यूट है। यहाँ की 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी। मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है इसका, हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं, क्लिनिकल काफ़ी अच्छा होता है इसमें स्टूडेंट्स का। मीडियम ऑफ टीचिंग एंटायर कोर्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाता है और 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है विद 1 ईयर इंटर्नशिप। इसके अलावा गाइस, जो ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, आप देख सकते हैं ये इंडिजन सिटी के प्राइम लोकेशन पे लोकेट है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे कई सारे सुपर मार्केट मिल जाएंगे, मॉल्स मिल जाएंगे। हर 10 दुकान के बाद आपको एक ऐसी शॉप मिलेगी जो फार्मा की होगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा गाइस देखिए क्या है कि इंडिजन सिटी में और भी क्लिनिक हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं। इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के खुद के 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो मेडिकल की फैसिलिटीज थी सारी है वो इस वजह से, तो यहाँ पे काफ़ी फॉरनर आते हैं। लाइक किर्गिस्तान, कजाकिस्तान के भी जो सीवियर केसेस होते हैं वो भी इंडिजन सिटी में ही आते हैं क्योंकि बॉर्डर नियर पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम देखेंगे इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का कैंपस। तो आइए मेरे साथ कैंपस में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि ये सिक्योरिटी रूम होता है। जब मैं कल आया था, कल मेरी यहाँ मीटिंग थी तो सारा कुछ चेक हुआ था, उसके बाद ही मैं अंदर एंटर कर पाया था। अभी इनफैक्ट इन लोगों को पता है कि ठीक है, हमने वीडियो शूट करने से पहले इनको बता दिया है, तब ये डायरेक्ट मुझे एंटर साइज करने थे। देखते हैं, लेट्स सी। इंडिजन सिटी ताशकंद से अराउंड 350 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। 5.5 से 6 घंटे आपको यहाँ पे आने में लगते हैं अगर आप बाय रोड आते हैं ताशकंद से इंडिजन सिटी। और इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट है ताशकंद की, और ताशकंद और इंडिया का जो बाय फ्लाइट ट्रेवल टाइम है अराउंड 3 आवर का है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। काफ़ी बड़ा कैंपस है। और गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एडमिन बिल्डिंग है, इसमें रेक्टर ऑफिस है, डीन ऑफिस है और इसमें डेंटल डिपार्टमेंट है। तो आइए हम देखते हैं। इनफैक्ट गाइस, अभी आपको स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं दिखेंगे बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादातर, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी स्टूडेंट्स जिनका रीवर्क है या फिर लाइब्रेरी वगैरह में आते हैं तो वही आपको कुछ स्टूडेंट्स दिखेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं गाइस मेरे पीछे, ये मेन एंट्रेंस एंड एग्जिट है। यहीं से हम डीन ऑफिस, प्रोरेक्टर ऑफिस के लिए ऊपर जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे प्रोरेक्टर ऑफिस है। ये पीछे तक इसकी बिल्डिंग है, पीछे तक सारे एकेडमिक बिल्डिंग है। इसके अलावा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का जो कैंपस है वो दूसरी तरफ है। यहाँ से निकल के थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे इनका एक बड़ा हॉस्पिटल है 600 बेड का। एक जो सामने है अभी वो रेनोवेट हो रहा है, और इनके छोटे छोटे कई क्लिनिक्स हैं जिनके साथ इनका अफिलिएशन और इनका खुद का है। इसके लिए ये बिल्कुल फ्रंट में काफ़ी बड़ा कैंपस तैयार कर रहे हैं, जो कि जैसे कि हमें बताया गया है फैब तक कैंपस तैयार हो जाएगा। तो सारी एकेडमिक बिल्डिंग एक ही कैंपस में ये लोकेट करेंगे। ये अलग अलग डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हैं। एजुकेशन क्वालिटी अच्छे होने के साथ साथ यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है और अफोर्डेबल बजट में है। आने वाले कुछ महीनों में इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का कैंपस सबसे बड़ा कैंपस होने वाला है उज्बेकिस्तान में, बिकॉज इनको 10 एकड़ जो लैंड है वो अप्रूव करके दिया गया है गवर्नमेंट एंड से। इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ की गवर्नमेंट और रेपुटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी ओल्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ओवरऑल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर, और काफ़ी अच्छी मेडिकल इंस्टीट्यूट है ये, और अफोर्डेबल बजट में है। ट्यूशन फीस भी इसकी ज़्यादा नहीं है, हॉस्टल भी ज़्यादा नहीं है, और यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, मैं यहाँ का क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्या चीज़ें हैं, वो छोटे छोटे जो भी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हो जाता है अगर आप यहाँ आते हैं, तो मैं एक वीडियो में सेपरेटली आपको बताऊँगा। ये सारे ये डिपार्टमेंट है अंदर, आप देख सकते हैं। एक्चुअली आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को यहाँ पे
कुछ डिपार्टमेंट जल्दी क्लोज हो जाता है, और वैसे भी अभी समर वेकेशन चल रहा है, अगर क्लासेस रेगुलर चलती हैं तो डिपार्टमेंट और क्लासेस सारी और पूरी यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट इवनिंग तक वर्क करता है। इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट्स। अगर आप एक अच्छी अफोर्डेबल बजट में मेडिकल इंस्टीट्यूट चूज करना चाहते हैं तो आप इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं गाइस फ्रंट गेट की तरफ। अभी हम इस तरफ से आए थे घूम के फ्रंट गेट से, अगर हम ऐसे जाएंगे यहाँ से वो वही सेम गेट आएगा। बाकी कैंपस इसके पीछे की तरफ और भी है, काफी बड़ा कैंपस है, लेकिन बाकी अभी डिपार्टमेंट आज फ्राइडे भी है तो इस वजह से उन्होंने क्लोज किया हुआ है, अभी अप्रूवल नहीं दिया उन्होंने, बिकॉज सिक्योरिटी है अभी, जो इनके सिक्योरिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो आज नहीं आए हैं। तो गाइस बिल्डिंग में मेन गेट यहाँ से हम जाएंगे तो उस तरफ पहुँचेंगे। तो गाइस फाइनली हम मेन एंट्रेंस है इस बिल्डिंग का यहाँ पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पे इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के, जो ये वाली अकेडमी बिल्डिंग है इसके लिए। आई होप गाइस कि जो मैंने इस वीडियो के थ्रू कैंपस दिखाया आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप मुझे हमारे थ्रू भोजन मेडिटेक के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर आपको इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, उज्बेकिस्तान की इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद मेडिकल एकेडमी, बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये जितने भी हैं, अगर इन किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आप इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, हमारे थ्रू आपका डायरेक्ट और हैसल फ्री एडमिशन होता है। तो आई होप गाइस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।